हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे हम तिल और गुड़ की चिक्की। ये बहुत ही क्रिस्पी है बड़ों के लिए, और दूसरी चिक्की बनाएंगे हम क्रंची कैंडी की तरह बच्चों के लिए। कैंडी की तरह चिक्की बनाने के लिए हमें लेना है 75 ग्राम सफ़ेद तिल और 100 ग्राम गुड़। थोड़ा गुड़ ज़्यादा लेंगे। तिल अच्छा फूलने तक उसे भून कर बाजू रख लेंगे, और फिर उस पैन में 1 टेबल स्पून घी डालकर हम गुड़ भी डालेंगे। गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देंगे, और तब तक इसे हमें लगातार चलाते रहना है, वरना गुड़ जल जाएगा। गुड़ पिघलने तक हम चकले को थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। मैं इस पर चिक्की फैलाऊंगी। आप अगर कोई प्लेट यूज़ कर रहे हैं तो आप प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चकले पर डालना या किसी प्लेन प्लेटफॉर्म पर डालना बहुत आसान है। गुड़ के हमने छोटे छोटे टुकड़े किए थे तो वो बहुत ही जल्दी पिघल गया है। अब इसे हमें चेक करना है कि ये अच्छे से पका है या नहीं। पानी में डालकर इसे ठंडा करके देखेंगे। गुड़ सिर्फ एक हो रहा है, इसे थोड़ा और पकना बाकी है। इसे थोड़े देर बाद हम फिर चेक करेंगे। गुड़ को हमें इतना पकाना है कि ठंडा होने के बाद वो टूटना चाहिए। मार्केट में चिक्की का गुड़ अलग से मिलता है, लेकिन मुझे आज तक वो समझ में नहीं आया है। अगर आपको कुछ आइडिया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैंने हमेशा इसी गुड़ से चिक्की बनाई है। केसर फ्लेवर का ये गुड़ है, बहुत ही परफेक्ट चिक्की बनती है। गुड़ देखिए बहुत ही अच्छे से फूल गया है, शायद अभी ये पक गया है। इसका आवाज़ देखेंगे हम, काफ़ी कड़क लग रहा है। देखें ये आवाज़ जो है पके हुए गुड़ की है। अब इसमें हमने तिल भी डाल लिए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये तार जो आई है ये ऐसी आनी चाहिए जब हम इसे पोर करते हैं। जिस चकले पर हमने घी लगाकर ग्रीस किया था उस पर मैंने ये सारा बैटर उंडेल लिया है, और थोड़ा ठंडा होते ही इस पर मैंने कट मार्क्स लगा लिए है। अगर आप चिक्की थोड़ी पतली चाहते हैं तो इसे आप बेल कर थोड़ी फैला लें। 10 मिनट में देखिए चिक्की ठंडी हो चुकी है, और दो उंगलियों में देखिए बहुत आसानी से टूट रही है। ये बहुत ही क्रंची है, कैंडी की तरह है, बच्चों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि इसमें हमने गुड़ ज़्यादा डाला है और तिल की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है। इससे बच्चे तिल भी खाएंगे और गुड़ भी जाएगा, और सर्दियों के लिए बहुत ही बेहतर चीज़ है बच्चों के लिए। अब हम बनाएंगे बड़ों के लिए क्रिस्पी तिल की चिक्की। इसे बनाने के लिए हमें लेना है 100 ग्राम तिल और 100 ग्राम गुड़। अगर आप 125 ग्राम भी तिल लेते हैं तब भी ये अच्छी बनेगी। तिल भुनने से लेकर गुड़ पिघलाने तक सेम प्रोसीजर है। गुड़ अच्छा फूल जाने के बाद अब हमें डालना है इसमें 1 टेबल स्पून दूध, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गुड़ को अच्छे से पकने देंगे। और अब देखिए गुड़ भी अच्छे से पक चुका है। इसमें अब हमें डालना है 1 चुटकी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, ये और फूल जाएगा। साथ में डालेंगे तिल। तिल डालने के बाद हमें बहुत ही फास्ट इसे मिक्स करना है ताकि सारे तिल गुड़ से कोट हो जाए। इसमें तिल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये बहुत जल्दी थिक हो जाएगा। गैस की फ्लेम हमने ऑफ़ कर दी है, और चकले को पहले से ही ग्रीस करा हुआ है, तो इसे जल्दी से चकले पर डालेंगे और इसे फैला लेंगे। साथ में मैंने एक प्लास्टिक शीट को भी ग्रीस कर लिया है। बैटर को जो पहले से मैंने चकले को ग्रीस किया था उस पर डालेंगे, ऊपर से प्लास्टिक शीट रखेंगे, और बेलन की मदद से इस बैटर को हम फैला लेंगे, और जितनी हमें पतली चिक्की चाहिए उतना हमें उसे फैलाना है। ये गर्म रहते ही हमें इसे फैलाना है, वरना ये हम फैला नहीं सकेंगे। अगर आप प्लास्टिक नहीं यूज़ कर रहे हैं तो बेलन को ग्रीस करें और बेलन से इसे फैला लें, और हल्का ठंडा होते ही इस पर हम मार्क्स बना लेंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद हम कट मार्क्स भी नहीं लगा सकेंगे। थोड़ी देर में चिक्की सूख जाएगी और इसे हम तोड़ सकेंगे। बहुत ही खस्ता बनी है चिक्की। इस विंटर आप ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें ताकि आपकी पसंद दूसरों तक पहुंचे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले, ताकि नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं खुद आपसे कनेक्ट हो जाऊं।